हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फेस्टिव सीजन चल रहा है और बहुत ही अच्छी सेल चल रही है काफी ब्रांड्स में। तो रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर में एंड एड में भी मैंने देखा, इंस्टाग्राम में, होम सेंटर में भी बहुत अच्छी सेल चल रही है। तो वो एड देख के मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नियरेस्ट होम सेंटर जाऊं, क्योंकि मुझे अपने होम डेकोर के लिए काफी कुछ खरीदना था। तो मैं वहां पे पहुंची तो जाके वहां पता चला कि हर आइटम में वहां पे डिस्काउंट नहीं है, सेल नहीं है, कुछ कुछ चुनिंदा चीजों में ही सिर्फ सेल चल रही है। बट ठीक है, मैं जब वहां पहुंची गई थी, क्योंकि होम सेंटर मुझे बहुत पसंद है, वहां के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा शॉपिंग तो मुझे करनी ही है। तो मैं वहां से लेकर आई हूं काफी सारे चीजें खरीद के। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वो सारे आइटम्स जो मैं होम सेंटर से लेके आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी उनके प्राइजेस मैं आपको यहां पे लिख के बताती चलूंगी। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं कर्टन्स, क्योंकि मेरे लिविंग एरिया के जो कर्टन्स थे वो बहुत पुराने हो चुके थे, मुझे चेंज करना था और उस दिन मुझे वो कलर मिल गए होम सेंटर में जो कलर मुझे चाहिए था। तो ये है वो कलर, बहुत ही प्यारा, ये कुछ बेज कलर है आप कह सकते हो, और मैं आपको दिखाती हूं। तो ये दो सेट हैं, आपको एक पैक में दो सेट मिलेंगे। तो मुझे टोटल 8 चाहिए थे तो मैंने ऐसे 4 सेट लिए हैं जिसमें कि मुझे 8 मिले हैं। तो इसका कलर कुछ इस तरीके का है, बेज कलर है, आप इसको क्रीमिश भी कह सकते हो, और हल्का सा इसमें एक प्यारा सा शाइन है। ऊपर की तरफ रिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जहां से आप अपने कर्टन रॉड डाल के इन्हें हैंग कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, और ये इस तरह से पैक होके आता है। इसमें ये एक पतला सा पेपर है, ये है इसका फुल व्यू, दिस इज हाउ इट लुक्स, रियली प्रिटी, बहुत ही क्वालिटी स्टफ है। तो ये इस तरीके के पैकेट में आता है। ये है लग्जरी कलेक्शन होम सेंटर मार्शमेलो सेट ऑफ 2 ब्लैकआउट डोर कर्टन्स, डिटेल्स हैं वो यहां पे दिए हुए हैं कर्टन्स के, इसकी लेंथ और विड्थ, और ये 100% पॉलिएस्टर है, सेट ऑफ 2 ब्लैकआउट डोर कर्टन्स। तो ये है मेरा फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट अप हियर वी हैव स्पेसेस का कोजी दोहर, ये इसकी डिटेल्स यहां पे लिखी हुई हैं, इस तरह के पैक में ये आता है। तो इसे मैं पहले यहां से ओपन कर लेती हूं। स्पेसेस ब्रांड का है, तो स्पेसेस एक अच्छा ब्रांड है जिसके की प्रोडक्ट काफी अच्छे होते हैं, काफी क्वालिटी स्टफ होता है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। लाइट ब्लू कलर है और व्हाइट कलर में यहाँ पे ये बटरफ्लाई के डिजाइन बने हुए हैं, काफी ब्यूटीफुल है। कॉटन फैब्रिक में है ये और काफी सॉफ्ट है, इसको आप घर पे वॉश भी कर सकते हो, मशीन में आप इसे वॉश भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा मोटा नहीं है बट एसी के लिए आपके लिए ठीक है। सिंगल बेड का है ये, सिंगल दोहर है, डबल बेड के लिए नहीं नहीं है। और पीछे से ये बिल्कुल इस तरह से प्लेन है, इसमें वो जो व्हाइट बटरफ्लाई वाले डिजाइन है वो नहीं है, तो आप इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हो, रिवर्सिबल है। तो ये है दोहर। मैंने यहाँ पे कुछ फुटमैट्स लिए हैं क्योंकि मैंने घर अभी नया सेट किया है, जितने भी मेरे पुराने फुटमैट थे वो सब मैं डिस्कार्ड करके आ चुकी हूँ पिछले स्टेशन में, तो मैंने कुछ फुटमैट लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने जो मेन डोर के लिए फुटमैट लिया है वो थोड़ा बड़ा हैवी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये लिया है, ब्राउन कलर में है, और पीछे की तरफ ये वाला जो इसका पार्ट है ये रबर में है, थोड़ा रबर टाइप का है। ये मैंने अपने मेन एंट्रेंस के लिए लिया है, इसके लिए मैंने थोड़ा हैवी ड्यूटी लिया है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लिया है। इसमें और भी अच्छे डिजाइन्स अवेलेबल थे, तो काफी अच्छा क्वालिटी स्टफ है ये। नेक्स्ट रग मैंने लिया है, ये है बहुत ही प्यारा सा स्काई ब्लू लाइट ब्लू कलर का, और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही फ्लफी सा है, बहुत ही सॉफ्ट सा है, आप देख सकते हो। ये मैंने अपने बेटे के रूम के लिए लिया है। तो ये जो फुटमैट है ये पीछे से थोड़ा सा रबर टाइप का है और बहुत ही सॉफ्ट है, और बेडरूम वगैरह में रखने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि बेडरूम में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस लगेगा वहां पे। देन नेक्स्ट जो फुटमैट है वो है ये, थोड़ा सा ग्रे कलर में है,
और इसमें ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर के लाइंस बने हुए हैं और डिजाइन बना हुआ है. अगेन ये भी पीछे की तरफ से थोड़ा सा रबर टेक्सचर में है. तो ये जो इसकी विड्थ है वो है 60 सेंटीमीटर और जो इसकी लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट वन इज अगेन सेम टाइप का ही है ये, और ये थोड़ा सा ग्रीन ब्लू ग्रे कलर में है और अगेन इसका भी साइज वही सेम है, 40 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर. सेम ब्रांड का है ये भी, एलिस प्रिंटेड डोर मैट होम सेंटर, और पीछे की तरफ से अगेन रबर टेक्सचर में है और ये है इसका फ्रंट पार्ट. इसके बाद मैंने बाथरूम के लिए एक पूरा सेट लिया है जिसमें कि सब कुछ है, डस्टबिन एंड टॉयलेट क्लीनर, देन फुट मैट एंड सोप केस, और उसके बाद हैंड वॉश करने के लिए जो डिस्पेंसर होते हैं वो. तो ये है इसका सोप डिस्पेंसर, ये आप देख सकते हो. बाथरूम को एक ब्यूटीफुल सा कलर देता है, स्टाइल देता है, सो इट्स लुकिंग रियली प्रिटी. और इसके साथ ये है, यहाँ पे आप अपने ब्रश लगा सकते हैं, अपने पेस्ट को यहाँ पे आप रख सकते हैं. तो ये दोनों एक साथ जब आप अपने बाथरूम में रखोगे तो एक ही कलर कॉम्बिनेशन के काफी अच्छे लगेंगे. और इसके साथ है ये सोप केस, सिंपल सोप केस है. तो ये सब अलग अलग आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको ये सब अगर आप एक साथ खरीदते हो तो ये सब एक सेट के हो जाते हैं और आपके बाथरूम को एक सिंक्रोनाइज अच्छा सा लुक देते हैं. और इसके साथ मैंने लिया है ये डस्टबिन. तो ये डस्टबिन है और इसमें भी सेम कलर अवेलेबल है. और इसके साथ है ये टॉयलेट क्लीनर होल्डर, मैं कहूंगी इसे, जैसे आप इसमें से अपना टॉयलेट क्लीन करते हैं एंड देन यू कैन पुट इट बैक हेयर. तो ये इधर उधर घूमता नहीं रहेगा. और ये जो इसका जो होल्डर है ये इसको अगेन एक ब्यूटीफुल और टाइडी लुक देता है आपके बाथरूम को. तो ये भी मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लगा. बिल्कुल साथ के कलर्स के थे तो सारे के सारे जब बाथरूम में आप एक साथ लगाओगे तो ब्यूटीफुल लगेगा, स्टाइलिश लगेगा आपका बाथरूम भी. इसके साथ मैंने एक फुट मैट भी लिया है जो कि सेम कलर में है. तो ये होम सेंटर का एक सेक्शन है जहां पे कि सारे बाथरूम आइटम्स एक साथ आपको मिल जाएंगे और ये कलर कॉम्बिनेशंस लगे होते हैं. आप अपने हिसाब से पिक कर लीजिए और उसे अपने बाथरूम में सेट कीजिए. तो ये इसका सिंपल फुट मैट है. नेक्स्ट वन इज दिस ग्रे कलर प्रिंटेड धुरी, जिसका कि ये लीव्स प्रिंट मुझे बहुत ही पसंद आया. ये व्हाइट कलर के लीव्स प्रिंटेड हैं इसमें और ये मैंने दो लिए हैं एक जैसे. इसे मैंने इस तरह बॉक्स के ऊपर लगा दिया है और एक छोटी सी सेटिंग बना दी है. बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लुक दे रहा है. तो पीछे की तरफ से ये प्लेन व्हाइट है, आगे की तरफ से प्रिंटेड है एंड इसका लेंथ है 55 सेंटीमीटर और इसका विड्थ है 85 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट वन इज दिस वाइब्रेंट येलो कलर वाटर बॉटल. तो इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया तभी मैंने ये लिया है. और इसमें आपके पानी को ठंडा रखेगा, आई होप सो, कुछ देर के लिए तो रखेगा ही. तो इसका कलर बहुत ही प्यारा है और ये है इसका कैप. ये लिया है मैंने 299 रुपीज में. देन मैंने लिया है ये सेट ऑफ सिक्स ग्लास कंटेनर, ड्यूरेबल ग्लास कंस्ट्रक्शन. बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे ये. इसमें सिक्स ग्लास कंटेनर्स हैं. इसमें तीन वैरायटी अवेलेबल थे. एक थे छोटे जार्स जो कि 500 रुपीज का था, 499, और उसमें भी सिक्स थे. देन मिडिल साइज जो कि ये मैंने लिया है मीडियम साइज का, ये मुझे मिला है 599 का. और एक था इससे भी बड़ा था, इतना बड़ा रहा होगा, और उसके भी सिक्स सेट थे और वो था 799 का. तो 100 का फर्क था. तो मैंने ये मीडियम साइज वाला लिया है. सिक्स जार का सेट है, इसे हम यहां से इस तरह निकालते हैं. तो ये देखिए ये इस तरह लगता है. तो ये है मेरा ग्लास जार और इसका ये कैप है. अच्छा खासा स्पेस है इसमें और इसमें आप अपने किचन आइटम्स स्टोर करके रख सकते हैं आराम से. इस तरह ये इसका पैक है. तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग. और होम सेंटर में एक अच्छा ऑफर चल रहा है अभी इस वक्त कि अगर आप 3000 से ऊपर की शॉपिंग करते हो तो आपको एक टिफिन का सेट है, उसे आप
बाय कर सकते हो 500 रुपीज में। इसी तरह आपका 10,000 से ऊपर की शॉपिंग करते हो तो दो तीन आइटम्स थे उसको आप 1,000 रुपीज में ले सकते हो। तो हमारी शॉपिंग 10,000 से ऊपर की थी तो उसमें हमें ऑप्शन मिल रहा था, तो मैंने मुझे वो वाले आइटम्स नहीं चाहिए थे जो वहां पे अवेलेबल थे, तो मैंने ये टिफिन बॉक्स लिया है जो कि 3,000 के ऊपर का ही शॉपिंग में मिल रहा था। ये होम सेंटर ब्रांड का ही है, इनका अपना ये ब्रांड है। एंड देन इसे आप यहां से जिप हटाते हो तो ये कंटेनर्स हैं, तीन कंटेनर्स हैं। अगेन ये भी ग्लास है, तो वन ये है, सेकेंड एंड देन थर्ड, और ये है इसका बैग। तो ये मुझे 500 रुपीज में मिला है। और जो इसके कंटेनर हैं वो इस तरह के हैं, इसमें आप सब्जी रोटी और इवन कोई अगर आपकी करी वाली चीज है तो भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो, बाहर नहीं आएगा। तो ये देखिए ये इस तरह खुलता है, एयर टाइट है, इसे हम माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह के तीन कंटेनर हैं, तो अच्छा सा टिफिन सेट है। इसे आप इवन अगर एज अ टिफिन नहीं यूज करना चाहते हो तो भी आप इसे अपने किचन में भी यूज कर सकते हो चीजें स्टोर करने के लिए। सो गाइज ये थी मेरी होम सेंटर की शॉपिंग जो कि मैंने रिसेंटली की है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही और भी वीडियोज बनाती रहूंगी। और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।